नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं आपके साथ भाग्यश्री झा। लुम्डी से खबर सामने आ रही है कि यहां दो ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि न्यू कॉलोनी के संजय मंडल और होजोई के सुशांत सरकार को भारी मात्रा में ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दो नशे तस्करों को गिरफ्तार कर साबुन की चार पेटियों में 62 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है। बता दें इन दवाइयों की कीमत 2 लाख रुपए से भी अधिक है। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह पिछले दिनों खबर सामने आई कि प्रोंगेट लेक पर चीन एक ब्रिज तैयार कर रहा है। सैटेलाइट के जरिए इस मामले का खुलासा हुआ। अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर सरकार और पीएम मोदी इस मामले पर क्यों चुप्पी साधे बैठी है। राहुल गांधी हमेशा से ही चीन के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते आए हैं, चाहे वो गालवाना घाटी का मामला हो या फिर चीन के सैनिकों की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की खबर। हर बार राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछे हैं। इस बार प्रेवन लैंग के ब्रिज पर बनाए जा रहे रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि चीन ने पोगोन लेक पर पहला ब्रिज बनाया। सरकार ने कहा, हम हालत पर नजर बनाए हुए हैं। चीन ने पोगोन पर दूसरा ब्रिज बनाया। सरकार ने कहा, हम नजर बनाए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है और एक कायर और बिरने में प्रतिक्रिया के से काम नहीं चलेगा। पीएम को देश का बचाव करना चाहिए। पूर्व लद्दाख में पोगोन झील के पास चीन ने दूसरा पुल बनाने की खबर सामने आई। बाद में विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आया, जिसमें कहा गया कि खबरों के अनुसार जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया जा रहा है वह क्षेत्र दशकों से उसी देश के कब्जे में है और भारत ऐसी घटनाओं पर नजर रखता है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने गुरुवार को कहा कि टेस्ला मेरे दिमाग में 24 घंटे और सातों दिन रहती है। ट्विटर के सौदेबाजी को लेकर चल रहे बाजार में गर्माहट की और दूसरी तरफ टेस्ला के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एलन मस्क ने यह बताया कि ऐसे समय में है जब ट्विटर की सौदेबाजी को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि एलन मस्क डील को लेकर भटक गए हैं। एलन मस्क ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया जिसमें एक लड़का और दो लड़की, एक लड़की और उसके साथ टेस्ला दिखाई दे रही है और दूसरी को ट्विटर का फोटो में लड़का एलन मस्क है, जिसमें एलन मस्क टेस्ला का हाथ पकड़े हुए ट्विटर की ओर निहार रहे हैं। उसका कहना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देता हूं कि मैं अपने समय में 5% से भी कम समय ट्विटर अधिग्राहकों पर देता हूं। 2019 के चर्चित हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित आयोग में फर्जी माना गया। आयोग ने कुछ पुलिस वालों को इसका दोषी बताया, रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए मामला तेलंगाना हाई कोर्ट में भेज दिया गया है। 26 नवंबर 2019 की रात हैदराबाद में 27 साल की डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। 6 दिसंबर को 3 बजे पुलिस वालों ने 4 आरोपी को संदिग्ध में एनकाउंटर में मार दिया। शहर में अब आम जनता ही नहीं बल्कि पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं। बता दें कि देर रात पुलिस लाइन स्थित पुलिस कर्मियों के करीब 5 घरों में संदिग्ध चोरी की घटना को अंजाम दिया गया।
चोरों ने देर रात अंधेरे में घरों का ताला तोड़ घटना को अंजाम दिया। वहीं कहना है कि कई पुलिस वाले अपने रिश्तेदारों के घर और तो कई अपने गांव गए थे, जिसके बाद रात में अंधेरे में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस लाइन के ईदगाह रेलवे स्टेशन की तरफ खाली पड़ी हुई जमीन की तरफ से पुलिस लाइन में कुछ चोरों द्वारा तीन घरों में चोरी की गई। ये सभी लोग छुट्टी पर गए हुए थे और मेरे द्वारा मौके का भ्रमण किया गया, निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। बहुत ज़्यादा सामान तीनों का नहीं गया है। एक मकान में तो चोरी भी नहीं, भारी ताला काटा था, ताला काट के अंदर घुसे हैं। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, फील्ड यूनिट बुलाई गई, बहुत जल्दी इस चोरी को वर्कआउट किया गया जाए। मेरे द्वारा आर आई पुलिस लाइन को उस तरफ रात्रि पहरा लगाने का भी निर्देश दिया गया है, क्योंकि उधर से बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और जो ईदगाह की जमीन है, जो ईदगाह रेलवे स्टेशन जमीन है, वो भी टीले नुमा है, ऊंची है, उधर से कूद कर भी घर आया जा सकता है। तो उधर ड्यूटी है जहां दबंगों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। दबंग इतने बेखौफ हैं कि उनको प्रशासनिक अफसरों का कोई भी डर नहीं। ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी दबंगगिरी का दस्तावेज सुना रही है। मामला सोनाम तख्तीर इलाके का है जहां गांव के राय सिंह साहब का राशन कोटा 2 वर्ष पूर्व खत्म हुआ था। इस मामले में कोटेदार ने अपील की कि इसको लेकर कमीशन कोर्ट में डीएम को जांच करने का आदेश दिया था। डीएम मामला श्रीवास्तव ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुभाष यादव को मामले की जांच के लिए भेजा था। इस मामले में जांच के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट तहसील के अन्य अधिकारियों के साथ पंचायत भवन में ग्रामीणों के बयान ले रहे थे। ग्रामीणों के बयान कोटेदार के पक्ष में ना होते देख उसने दर्जनों साथियों के साथ ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते पंचायत भवन जन परिसर में बदल गया। प्रशासनिक अधिकारी का खौफ ना होकर भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालत को काबू में किया। मामला कोटे की जाँच पहले जांच हुई थी, उन्होंने नहीं माना, पुनः दोबारा जांच का कोटा पहले निरस्त हो चुका था। तो कोटा अंत चल रहा था, जांच से संतुष्ट नहीं था। उसके बाद भी रात जांच कराया गया तो एसडीएम मौके पर मौजूद था, हम लोग गवाही दे रहे थे। इसके कहने का मतलब था कि हमारे पक्ष में गवाही हो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, हम लोग को मारना पीटना चालू कर दिया। हमारे जो दादा के लड़के थे और जो छह गाँव लड़के माना पड़े, हमारा भी टीचर खास डाला माना नहीं कहना पड़े कि बहुत दबंगई करता है, कभी जाओ इसके यहाँ पर राशन लेने तो मारता पीटता, वो गाली कुत्ता देता रहा। कोटेदार क्या नाम है? टाटा ग्रुप द्वारा संचालित एयर इंडिया का उड़ान भरने के साथ किसी तकनीकी खराबी के कारण 27 मिनट बाद ही मुंबई एयरपोर्ट पर लौट आया। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसी बात की जानकारी दी कि प्लेन में उड़ान भरने के साथ किसी तकनीकी खराबी के कारण इसका एक इंजन हवा में ही बंद हो गया, जिसके बाद पायलट ने प्लेन को वापस एयरपोर्ट पर उतार दिया। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। देश में ओमिक्रॉन B4 वेरिएंट का पहला केस सामने आया है जो हैदराबाद में मिला है। कोरोना का यह वायरस अफ्रीका से आए एक शख्स में पाया गया है। COVID-19 जोखिम मीन सर्जन प्रोग्राम के जरिए इस वेरिएंट का पता चला है। इस वेरिएंट के मिलने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के अन्य हिस्सों में भी इस वेरिएंट के केस मिल सकते हैं। पता मेट्रो ने लोगों के सफर को आसान कर दिया है और अब यही सुविधा का लाभ लखनऊ के लोगों को भी उठाना है और इसके बाद सफर और भी आसान बनाने के लिए सुपर सेवा कार्ड का शुभारंभ किया गया। इस कार्ड से जुड़ी विशेषताएं जानिए इस रिपोर्ट में।
यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ मेट्रो के सुपर सेवर कार्ड का शुभारंभ कर दिया है, जिससे मेट्रो का सफर अब लखनऊ वासियों के लिए और भी आसान हो जाएगा। बैंगनी रंग के इस नए सुपर सेवर कार्ड से सिर्फ 1400 रूपए में 30 दिनों तक के लिए लखनऊ मेट्रो में यात्री असीमित यात्रा कर सकेंगे। यानी कि अब मेट्रो के टोकन के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा और न ही बार बार कार्ड रिचार्ज करने का झंझट, बस एक कार्ड और महीने भर की छुट्टी। सुपर सेवर कार्ड से लोगों को मेट्रो में सफर करना अब और भी ज्यादा किफायती हो जाएगा। आज देश के साथ साथ पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और यातायात की समस्या से जूझ रही है, जिससे परिवहन की लागत पर भी असर पड़ता है। लेकिन अब इस सुपर सेवर कार्ड से यात्रा की लागत जहां कम होगी, तो वहीं वातावरण पर सकारात्मक असर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा कि UPMRC का हमेशा यात्रियों को सुविधाजनक और सुगम यात्रा सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रहता है। दरअसल पहले मेट्रो का किराया काफी महंगा था, जिसकी वजह से आम आदमी इसमें सफर नहीं कर पाता था। लेकिन अब वही आम आदमी और आम यात्रियों के लिए मेट्रो का ये सफर सुपर सेवर कार्ड से और आसान हो जाएगा। सुपर सेवर कार्ड इसी के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे कि अब हर किसी का सफर सुलभ बन जाए। ये कार्ड बड़े मंगल के दिन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका कलर बैंगनी है, जो कि डेली सफर करने वाले यात्रियों को बहुत ही सुविधा देगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव की माने तो इस कार्ड को लॉन्च करने का उद्देश्य लोगों को ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम का यूज करने के लिए जागरूक करना है, जो विश्व स्तरीय होने के साथ साथ सुरक्षित और आरामदायक भी है। बता दें कि इस कार्ड में कीमत 1500 रूपए की है, जिसमें 100 रूपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। ये कार्ड मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर ही मिलेगा। इसे लेने के लिए यात्री को नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। भारत में करीब 15 राज्यों में इस वक्त हीट वेव और भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां लू के थपेड़ और खतरनाक गर्मी की राहत के लिए लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। और इसी सब का अधिक प्रभाव पड़ रहा है किसानों पर, जो बर्बादी की कगार पर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। केवल इंसानों पर ही नहीं, फसलों पर भी अब गर्मी का असर साफ दिख रहा है। बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। तो वहीं इस बार समय से पहले पड़ी गर्मी और गर्मी आ जाने की वजह से गेहूं की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पहले गर्मी के चलते गेहूं की पैदावार पर असर हुआ और अब हीट वेव ने गर्मी में उगाई जाने वाली तमाम फसलों को भी झुलसा दिया है। यूपी, हरियाणा और पंजाब में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो वहीं गर्मी में उगाई जाने वाली फसलें जैसे मूंग और उड़द भी इसकी चपेट में आ गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गर्मी का असर मौसमी सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। गर्मी से बर्बाद होती फसलों को देखकर किसान बेहद परेशान है। किसानों का ये कहना है कि इस बार गर्मी इतनी भयंकर है कि खेत में खड़े हो पाना भी मुश्किल है और गर्मी की वजह से पशुओं को भी दिक्कत हो रही है। कलिंदा बावा है ना, कलिंदा सब सूख गया, गंगा में पानी कम हो गया है। अब हम बच्चन का कैसे पालब, सब फल हमारा सब सुखागा, पेड़ सब सुखागा। अच्छा, गर्मी भी बहुत पड़ गर्मी बहुत पड़ रही है। इतनी गर्मी कब पड़ी? पहले नहीं पड़ी कबो। सब्जी हमारा सब सूख गया, कदुआ लौकी तरबूज सब सूख गया। अब अपन लड़का बच्चन का हम कैसे जिएगी? तो वहीं बनारस में किसानों का ये कहना है कि गर्मी की वजह से फसलें हो ही नहीं पा रही और धूप से जो फसलें हैं भी वो हरी सब्जियां जल रही हैं। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि गर्मी का असर हर सेक्टर में पड़ता है, खासतौर पर फसलों पर, जहां गर्मी की वजह से फसलों को ज्यादा पानी देना पड़ता है। अगर फसलों को सही से पानी नहीं मिले तो उत्पादन में कमी आ जाती है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि मार्च में गर्मी पड़ने से खेती के कुल उत्पादन में 5 से 6% तक का असर पड़ा है।
तो वहीं भीषण गर्मी के चलते रायबरेली के गंगा की रेती पर खेती करने वाले किसान भी बेहाल हैं। यहां तरबूज, खरबूजा, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की फसल समय से पहले ही सूख गई। इसका बड़ा कारण है गंगा नदी का कम होता स्तर, जो कि इन दिनों काफी कम हो चुका है। पानी कम होने की वजह से तट पर जल स्तर भी नीचे चला गया है, जिससे यहाँ पर गंगा के तट पर बोई जाने वाली सब्जियों की फसल सिंचाई के बिना चौपट हो गई है। खासतौर पर तरबूज की फसल, जहाँ तरबूज के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि गर्मी में जब तरबूज की मांग सबसे ज्यादा होती है और बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है, ऐसे समय में फसल बर्बाद हो जाने से किसान बर्बाद हो गए हैं। किसानों का यह कहना है कि ऐसी गर्मी शायद ही पहले कभी पड़ी हो और इस बार की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते गंगा की धार सिमट चुकी है और जल स्तर भी गिर गया है। अब कई कई फीट गहरा गड्ढा खोदने पर भी पानी नहीं मिलता। गंगा की धार सिमट कर इतनी दूर चली गई है कि वहां से पानी लाना संभव नहीं। ऐसे में अब बर्बाद होती फसल को बचाने का कोई उपाय नहीं। हाँ भैया, बहुत ये गर्मी पड़ रही, गंगा घट जाने पे फल सुखा गए, लगत नहीं निकल पा रही है। अब की बहुत दिक्कत हो रही गर्मी बढ़ जाने से, गंगा के जल घट जाने से सब फसल सूख गई समय से पहले। तो कैसे परिवार चलाओगे? अब कैसे हम परिवार चलाएंगे, किस तरह हम कमा के खाएंगे? पेड़ों के भरोसे रहे, पेड़ सब सूख गए हैं। क्या क्या फसल? खरबूजा है, तरबूज है, लौकी है, कद्दू है, सब सूखा गया है। अच्छा। गर्मी से गंगा घट जाने से पानी स्टेटा कम हो गया है। अच्छा, इतना कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ है इस तरह, जिस तरह अब हो रहा है। बहुत पानी कम हो गया? हाँ, बहुत पानी कम हो गया, सब फसल बर्बाद। सब फसल बर्बाद हो गए, देखो सब सुखा गए हैं, एकदम कुछ नहीं रह गया है। गौरतलब है कि मौसम की मार किसानों के लिए बर्बादी का विषय बन चुकी है और ऐसे में किसान बेहद परेशान है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।